इसका ये कंसोल कितना प्यारा है ना, आप देखोगे ना मस्त लगता है ये कंसोल। इसके जो अभी बटन मतलब बहुत प्रीमियम बाइक है, इतना स्मूथ है ना यार इसका, कह मैं क्या बताऊँ। इसकी सीट डोमिनर से बहुत अच्छी है, इसकी सीट ऐसा लगता है किसी कुशन या कोई सोफ़ा पे बिठा दिया तुमने और बस इसका चला रहे। ओहो इसकी आवाज़ आए है, क्या प्यारी आवाज़ है इसकी। अब मेरे को इतना मज़ा आ रहा है ना बाइक चला के, पता नहीं मेरे को बहुत कम्फर्टेबल लग रही है यार ये डोमिनर से भी। उसका ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी, मैंने अभी जस्ट टेस्ट की इसकी ब्रेकिंग, सच्ची बोलूँ ना डोमिनर से बहुत कम्फर्टेबल है। कंसोल प्यार आ गया इसके कंसोल से, अपनी डोमिनर डोमिनेट करती है ये ब्रो। कुछ भी हो ये बाइक में वाइब्रेशन है ही नहीं, मेरे को फील ही नहीं हो रहा वाइब्रेशन। डोमिनर में बहुत वाइब्रेशन है, तो थोड़ा टॉर्क और बी एच भी कम है एज कम्पेयर टू डोमिनर 400। जीरो वाइब्रेशन, रिफाइनमेंट अच्छा है। एक और हंटर भी आई है तो आप वो भी एक देख सकते हो। मैं तो ये भी बोलूँगा कि सर डोमिनर से थोड़ा मेरे को बेटर लग रहा है इसमें, बोलते ना इसके सस्पेंशन जो है ना क्रूजर का अलग ही फील होता है। मैं तो सोचा बोला हॉलीडे सब में क्या फील होगा भाई, डोमिनर में आपको वाइब्रेशन मिल जाएंगे। लेकिन पता है वो वाइब्रेशंस का भी ना अपना ही एक फील भी है अपन की, ये जो डोमिनर में पावर थोड़ी ज़्यादा है। ये देखो ये हंटर है, मैं तो बोल रहा था तुम्हें को ये कितने है। अभी अपन मीटियर पे आ गए, 2021 का मॉडल है। तो मीटियर वर्सेस डोमिनर का मैं एक बताऊंगा तुम लोगों को, राइड रिव्यू बताऊंगा कि कैसा मेरे को ये बाइक चला गया। इसका ये कंसोल कितना प्यारा है ना, आप देखोगे ना मस्त लगता है भाई ये कंसोल। फिर इसके जो अभी बटन मतलब बहुत प्रीमियम बाइक है और बहुत सेक्सी, और ऊपर से भाई ने यहाँ पे इस पर ये भी फॉग लाइट्स अभी रिसेंटली लगवाई है। इसका भी थ्रू अपन देखेंगे, चेक करेंगे, और बाकी तो मस्त है। ये लाइट भी बहुत सेक्सी लगती है, जो पीछे जो दो लाइट्स हम लोग को दिख रही है ना, एक ये और एक ये। बाकी अपना तो वही आता है जो और सब यूनिवर्सल जो एक आते हैं ना लाइट, वही है। तो ठीक है, डोमिनर वर्सेस मीटियर, अपन एक छोटा सा राइड रिव्यू दूंगा। मेरे को बाइक्स के बारे में अभी फ़िलहाल इतनी नॉलेज नहीं है, तो जितना हो सकेगा मैं उतना दूँगा। तो चलो अपन निकलते अभी। वो फाइनली चलो 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 फर्स्ट गियर पे ही चलो, बहुत रिफाइंड है। मैंने पहले चला चुका हूँ मीटियर, सो बहुत सही है भाई ये बाइक। और सेकंड गियर भी लग चुका है, इतना स्मूथ है ना यार इसका, गियर मैं क्या बताऊँ। मेरा भी स्मूथ है मतलब, लेकिन ये और भी ज़्यादा स्मूथ है पता है इसका गियर तो। ओहो मज़ा आ रहा है, बहुत सेक्सी है, कंफर्टेबल। इसकी सीट डोमिनर से बहुत अच्छी है, इसकी सीट अगर मैं कंपेयर करूँ तो डोमिनर से, और वैसे भी लॉन्ग जाने के लिए तो बहुत, बोलते ना ऐसा लगता है मेरे को किसी कुशन या कोई सोफ़ा पे बिठा दिया तुमने और बस इसको चला रहे। ओहो इसकी आवाज़ आए है, क्या प्यारी आवाज़ है इसकी, ये देखो बहुत प्यारी बाइक है। और मैं अभी बम्प आया ना उसमें भी पता नहीं चला, इतना कुछ मेरे को पता नहीं चला। बहुत अच्छी है, बहुत सही बाइक बनाई। देखो थोड़ा इसका गियर का थोड़ा अलग है ना, अगर तुम इसका गियर का नॉच देखोगे ना तो ये देखो थोड़ा ऐसा है इसका, अगर देखोगे तो। ओहो भागने में भी अच्छी खासी है यार ये, हमारा भाई मस्त चला रहा है। और ये जो अभी देखो ये जो है ना, मेरे को इतना नई फील हो रहा है, मैं और मेरा भाई भी बैठे पीछे, बहुत कम्फर्टेबल है मैं बोलूँ तो। सब बोलते ना बहुत मैं इजीली निकाल पा रहा हूँ इसको ऐसे रोड्स पे भी, तो ये ऐसे ही मतलब होते हैं ना थोड़े ऑफ रोडिंग पे भी चल जाती है, मतलब होते हैं ना प्रॉपर ये टूरिंग बाइक बनाई है ये लोग ने मीटियर को। एक्चुअली जब मैं लेने वाला था तो मेरे माइंड में ये बाइक भी थी, बट मेरा दिल तो भाई डोमिनर पे था, मैं बहुत पहले से मेरी नज़र थी तो अपन ने सोचा नहीं भाई अपन तो लेंगे डोमिनर। अभी इसको थोड़ा भगाता मैं यहाँ पर, आगे क्या पता भगाने मिले नहीं। भाई मज़ा है बाइक में तो, बहुत सेक्सी बाइक है। और मेरे को इतना मज़ा आ रहा है ना बाइक चला के, पता नहीं मेरे को बहुत कंफर्टेबल लग रही है यार ये डोमिनर से भी। उसका ओनर हमारे सामने ही चल रहे हैं, ब्रेक भी अच्छा है इसका, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी, मैंने अभी जस्ट टेस्ट की इसकी ब्रेकिंग, बहुत अच्छी है। वो देखो डॉगी को कुछ बोल रहा है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी लगी मेरे को। और सच्ची बोलूँ ना डोमिनर से बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा, मेरी थोड़ी स्पोर्टी में आ जाती है, ये थोड़ी क्रूज़र में आ जाती है ये जो बाइक है ना। और इसका ये कंसोल प्यार आ गया मेरे को, इसके कंसोल पे ऊपर से जो अलग से जो ये इको दिया ना इन्होंने वो भी बहुत अच्छा है। और ये मेरी डोमिनर जो सोहम चला रहा है, ये देखो आप
अपनी डोमिनेट करती रहती है ब्रो, कुछ भी हो डोमिनेट में कैसा है ना, जो डोमिनेट के जो वाइब्रेशन, इसमें बिल्कुल ये बाइक में वाइब्रेशंस है ही नहीं, मेरे को फील ही नहीं हो रहे वाइब्रेशंस, होंगे तो बहुत माइनर से होंगे, लेकिन डोमिनेट में बहुत वाइब्रेशंस है। अगर तुम लोग देखोगे ना, ये देखो अपनी डोमिनेट, बहुत अच्छी बाइक है, मैं यही की चीज़ बोलना चाहूँगा, और मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है, और तू टूरिंग के लिए बहुत बेस्ट है। और क्या चाहिए यार तुम लोग को, मतलब मेरे बाइक से थोड़ी शायद ये थोड़े कम प्राइस में आती है, थोड़ा बहुत तो ही फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं, 2 लाख या 2 लाख के ऊपर ही आती, 2 लाख के समथिंग ऊपर आती है इसका, 2 लाख कुछ प्राइस है शायद, और मेरी जो है 2,76,000 हो गया अभी, मैंने 2,57,000 में ली थी, सो फ़र्क भी काफ़ी है, सीसी भी उतना ही मिल रहा तुम लोग को, मेरा 373 या 3 ऐसा कुछ है, ये 350 सीसी है, 349 सीसी होगा, 350 या 349, तो वही फ़र्क है बस, ज़्यादा कुछ तो नहीं। अब जैसे जैसे मैं चलाता जाऊँगा आप लोगों को बताता जाऊँगा मैं। चलो गाइस चलते, मस्त है तेरी बाइक सेक्सी है ब्रो, सेक्सी। बाकी ये बाइक बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि मेरा भाई भी पीछे बैठा है, वो भी बोल रहा है कि जब अभी मैं तो काफ़ी टाइम तो हो गया, थोड़ी देर तो हो गई इसके पीछे बैठे बैठे। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं इसके बारे में कि इसमें थोड़ा सा BHP कम आता है, इसमें थोड़ा टॉर्क और BHP कम है एज़ कम्पेयर टू डोमिनो 400, क्योंकि वो 400 cc की है, 373 cc, और ये 349 cc है, तो उसके से आपको इसमें थोड़ा बहुत टॉर्क कम मिलेगा, बट मेरे हिसाब से बोलूँ ना बहुत कंफर्टेबल है, जीरो वाइब्रेशंस, रिफाइनमेंट अच्छा है, तो आप लोग ये कंसीडर कर सकते हो अगर 2 लाख के बजट में आपकी कोई बाइक आपको लेनी है ना, तो आप ये बाइक को कंसीडर एक बार कर सकते हो। अभी मेरा फ्रेंड है, एक और हंटर भी आई है, तो आप वो भी एक देख सकते हो, क्योंकि वो भी यही प्राइस पॉइंट पर आती है, मतलब ऑलमोस्ट इसके आगे भी, जो उल्टा इससे सस्ती है वो बाइक हंटर, तो अभी रॉयल इनफील्ड की है, वो भी बहुत सही है बाइक, तो वो भी एक बार देख सकते हो। और भगाते हैं इसको थोड़ा पर इधर, मज़ा तो आ रहा है भाई इसको भगाने में, बहुत मज़ा है, बहुत स्मूथ जाती है बाइक, बहुत स्मूथ है। उसका गियर शिफ्टिंग का भी थोड़ा है, तो मेरे को उसके लिए ना थोड़ा यूज़फुल होना पड़ेगा। बाकी बाइक ना सुपर सेक्सी है, इसमें पंप्स ना नहीं पता चल रहे, पता है मैं तो ये भी बोलूँगा कि शायद डोमिनर से थोड़ा मेरे को बेटर लग रहा है इसमें, बोलते हैं ना इसके सस्पेंशन जो है ना वो डोमिनर के भी अच्छे हैं, अप्स एंड डाउन फोक्स है, तो उसमें भी नहीं पता चलता इतना, अगर आप देखोगे ना मैंने बड़े बड़े पॉट होल्स बड़े बड़े गड्ढों में भी डाला है, तो उसमें भी आपको इतना नहीं फील होगा अगर डोमिनर भी आप चला रहे हो। बट बहुत प्यारी बाइक है, अभी मानना पड़ेगा, मीटियोर कंसिडर कर सकता, ले सकता था मैं ये भी, बट मेरे को डोमिनर पसंद थी, अपने अपनी पर्सनल चॉइस है, देखो उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पावर अच्छी खासी है वैसे इसमें, काफ़ी अच्छी पावर है, जितनी होनी चाहिए ना अपने को टूरिंग के हिसाब से, उसके हिसाब से तो सही है। और ये एकदम खड़ी चढ़ाई पे हो, आप लोगों को गोप्रो में इतना ही दिख रहा होगा, बड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है यार ये बाइक, बहुत अच्छा। वैसे इसको अभी सेकेंड गियर पर रखा, इसको भगाने का जो मज़ा है ना यार, इधर बीच बीच में थोड़े स्पीड ब्रेकर्स ये सब आ जाते हैं, तो मैं थोड़ा रुक देता हूँ, देखो काफ़ी स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, और इस पर देखो अगर मैं स्पीड में भी लेके आ रहा हूँ, इतना नहीं हम लोग को पता चला बम, इवन भावेश में दोनों कंफर्टेबल हैं, मैं और मेरा भाई, बहुत सही है भाई यार ये देखो मैं जितना भी तो चला रहा हूँ इसको, और ये आप टर्न से आप देखो कि बहुत एकदम अलग ही फील है ये बाइक का, सच्ची बोलूँ ना क्रूज़र का अलग ही फील होता है। क्रूज़र में पहली बार बोलते हैं ना, पहली नहीं मतलब मैंने ये मेरी दोस्त की भी चलाई है, मेरा जो दोस्त है उसकी ये चलाई है मैंने एवेंजर, और अब मैं ये चला रहा हूँ, तो ये तो अलग ही फील है। मैं तो सोच रहा हूँ बोला हार्ले सब में क्या फील होगा भाई, भागने के लिए तो भाई ये तैयार रहती है पता है, बहुत अच्छा है, इसमें कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है बाइक में, तो स्मूथ इतनी, तो मन कर रहा है ना इसको भगाते रहे, इसको रोको ही नहीं, इसको कम स्पीड पर डालें यार, हाईवेज पर क्या मज़ा आ जाता है बाइक में। ब्रेकिंग अच्छा है इसका, लेकिन आप देखोगे ना इसका ब्रेकिंग बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है। ओ डॉगी, ये एक और चेक पोस्ट आता है, सेकंड चेक पोस्ट है जो गोराई के रास्ते में आता है, वो ये मेरे को मैंने एकदम से लिया था ये बम पे भी, और बहुत स्मूथली इसने वर्क किया, पता नहीं क्यों मैं ना, लेकिन एक चीज़ बोलूँगा अभी, जैसे मैं डोमिनर लवर मतलब मेरे को ज़्यादा पावर चाहिए था ना, तो इसलिए मैं डोमिनर पे गया, क्योंकि इतने सेगमेंट में तुम्हें अच्छी पावर मिल जाती है,
ये, लेकिन इसकी जो रिफाइनमेंट है ना, वैसे रिफाइनमेंट नहीं है डोमिनर में। अगर मैं बोलूँ ना, डोमिनर में आपको वाइब्रेशन मिल जाएंगे, लेकिन पता है वो वाइब्रेशंस का भी ना अपना ही एक फील भी है। अगर तुम लोग देखोगे ना तो वही है, जिस जिसको वाइब्रेशंस पसंद है तो डोमिनर लेने में प्रॉब्लम नहीं, पावर ज़्यादा मिल जाती है आपको। और रिफाइनमेंट चाहिए एकदम स्मूथ, बोलते हैं ना गेयर ट्रांजिशन, ये सब चीज़ें, तो आप लोग मीटर पे कंसीडर कर सकते हो। और अभी हंटर आई है, उसको भी देख सकते हो, क्योंकि हंटर तो शायद इससे भी थोड़े सस्ते हैं और बहुत अच्छी बाइक चलती है। मैंने सुना बहुत पब्लिक ले भी रही है, वो भी 350 cc मिल गया आपको। मतलब और क्या चाहिए। हाँ ये हंटर, अभी हंटर लेना ब्रो, मस्त लगती है। ये देखो ये हंटर है, मैं जो बोल रहा था तुम लोगों को, ये एक दिख गई है, ये भी 350 cc है हंटर। मतलब बोलते हैं ना एक तरह से दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें सब। बाकी इसका वो कंसोल पता नहीं कैसा, बट ठीक है, अच्छी लग रही है हंटर। ये कलर में भी सेक्सी लग रही है। और मेरा दोस्त है वो MT सोच रहा लेने को, बट हम लोग बोल रहे कंसिडर करने कि एक बार ये देख ले, ये भी बहुत अच्छा लुक बहुत अच्छा है इस बाइक का, बहुत सही है। मीटर तो मेरे को अच्छी लगी, मे बी हंटर भी वैसे चलाने में होगी। सो बस यही था इसका रिव्यू, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी मीटर, आप लोग एक बार कंसिडर कर सकते हो मीटर को और देख लो, डिसाइड कर लो। ऑलमोस्ट सेम ही है ना ब्रो दोनों ना, ज़्यादा कुछ फर्क, बट प्राइस का डिफरेंस होगा ना, ये थोड़ी लाख रुपए का ना, तो ये शायद मेरे प्राइस पॉइंट जितनी आएगी मीटर पर अगर लोगे ना, 250 तक की बढ़ी आएगी ना। मीटर तेको कितने की बढ़ी थी, मीटर कितने की बढ़ी थी तेको, 260 ना। हाँ मेरे इतनी उल्टी, बल्कि मेरे से ज़्यादा ही पड़ गई देखो, मेरी 257। हाँ तो मे बी हंटर अच्छी चॉइस है, जिसको ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, और इसकी जो रिफाइनमेंट है बहुत अच्छी है। तो प्लीज़ ये चीज़ें माइंड में रखना, मेरी पर्सनल फेवरेट डोमिनर है, और मैंने बता दिया रिफाइनमेंट इंजन चाहिए तो ये ले लो। और आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो मैं तो बोलता हूँ हंटर पे जाओ, अभी आई है और बहुत अच्छी भी चल रही है बाइक। MT से तो बेटर ही है, MT पे अगर आप उतना डालोगे उससे चाहिए ले लो, 1,90,000 तक ही पड़ जाएगी अभी, या 2,00,000 तक ज़्यादा से ज़्यादा ऑन रोड। सो डेट्स इट गाइस, मेरा यही इतना ही ये था रिव्यू, जो भी था, जो डोमिनर और अपना मीटर के बीच जो भी था कंपेरिजन। सो बस तो बस यही था अपना रिव्यू, मस्त लग गया यार बाइक्स। मैं अपने कैमरे में दिखा दूँ, क्या लग रही है यार बाइक देखो, दोनों भी, ये अपनी डोमिनर और ये मीटियर, इसका रिव्यू मैंने आपको दिया। ओके तो भाई लोग अभी अपन आ गए अपनी डोमिनर पे, तो वही कंपैरिजन था कि अपन की ये जो डोमिनर में पावर थोड़ी ज़्यादा है और मीटर में थोड़ा बहुत फ़र्क है, पावर का थोड़ी कम है उसमें। तो वही है, जिसको वाइब्रेशन से इशू नहीं है तो मेरे हिसाब से डोमिनर पे जाइए, क्योंकि सेम प्राइस पे पड़ती है। और जिसको रिफाइनमेंट चाहिए इंजन के, स्मूथ चाहिए इंजन, तो अपनी ये मीटियर।